पॉलीप्रोपिलीन पॉलीकार्बोनेट दोनों ही बैग्स के अंदर पोर्स नहीं होते, इस बैग के अंदर थोड़े से पोर्स होते हैं जिसके कारण ये मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है। और मतलब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप जब भी अपने बैगेज खरीदने जाओ सबसे पहले अपनी एयरलाइन में चेक करो कि आपकी एयरलाइन में कितने बैगेजेस अलाउड है, ठीक है। नेट वगैरह पे देखोगे तो सस्ता भी नहीं मिलेगा, हल्का है हल्का भी नहीं मिलेगा। तो सारी बातों से ना देख रहे हो कि आपकी रेट में पॉलीप्रोपिलीन पॉलीकार्बोनेट में ज्यादा फर्क नहीं है। और बात रह गई थी कि लेना कहाँ से है, ऑफलाइन ऑनलाइन। देखो ये जो कैंप जो कि है किसी का, तो इसमें ये काफी ज्यादा अच्छी है, एक सफारी की ब्रांडिंग भी कर रखी है लिटरली, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ सामान तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हो। तो यही है मेरी पूरी बैगेज की वीडियो, बाकी कैबिन बैग मैंने अच्छे से दिखा। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आज की वीडियो में बात करेंगे लगेज के ऊपर, आपको लेना कौन सा बैग चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर इन डिटेल बात करेंगे, कौन सा बैग लेना चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स आपको देखने चाहिए एक बैग को खरीदने से पहले, ठीक है, और मटेरियल में क्या डिफरेंस होता है, चूंकि मार्केट में इतने ब्रांड्स हैं, इतने वैरायटी ऑफ बैग बिकता है एक ही ब्रांड, तो उसमें से कौन सा आपको वैरायटी कैसे चूज करनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, लेट्स स्टार्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप जब भी अपने बैगेज खरीदने जाओ सबसे पहले अपनी एयरलाइन में चेक करो कि आपकी एयरलाइन में कितने बैगेजेस अलाउड है, ठीक है। तो मैंने चेक करे तो मुझे पता चला मेरे बैगेजेस में जो मैं लार्ज मतलब 23 किलो के दो बैग ले जा सकता हूँ और एक 7 kg का कैबिन बैग ले जा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी बैग खरीदने की सर्च स्टार्ट करी। जब मैंने अपनी बैग खरीदने की सर्च स्टार्ट करी मुझे पता चला मार्केट में तो इतने सारे मटेरियल जैसे कि पॉलिएस्टर, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीप्रोपिलीन, तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। तो मैंने स्टार्टिंग में मतलब वेबसाइट्स देखी, वीडियोस देखी, बहुत सारी चीजें देखी, बट मुझे एक ढंग का कंपेयर नहीं मिला और ढंग की मतलब एक अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाई, इसलिए मैं इस वीडियो को भी बना रहा हूं। तो मैंने जब वेबसाइट्स पे उठाया मटेरियल तो मुझे पता चला कि एक तो मटेरियल होता है पॉली एस्टर जो कि ये वाला बैग है, एक होता है पॉली प्रोपिलीन जो कि पीछे रखा है, और पॉली कार्बोनेट जो हमारे पास है नहीं, ठीक है, पर हम काम चला लेंगे जो कि मेरे पास उसका डाटा है। तो पहली चीज हम ना एलिमिनेट मेथड यूज करेंगे जिससे हम जो बैग हमें बेकार लग रहा है उसको एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि बार बार इनको कंपेयर नहीं करते जाएंगे, ठीक है, ताकि हमारा टाइम बचेगा और जो मेन डिफरेंसेस है, जो मेन फैक्टर्स हैं जिसमें हमें बैग खरीदना है फॉर एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट या एज ए ट्रेवल, उस पर हम उनको ही हम कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट थिंग देखो, ये होता है पॉलीस्टर का बैग। पॉलीस्टर की बैग वक्त के साथ इसकी शेप बिगड़ जाती है, वक्त के साथ इसमें धागे निकलने जाते हैं, वक्त के साथ तो खैर ड्यूरेबिलिटी भी इसमें कम होती है, क्योंकि इस बैग के अंदर ना पोर्स होते हैं, ना पॉलीप्रोपिलीन पॉलीकार्बोनेट दोनों ही बैग्स के अंदर पोर्स नहीं होते, इस बैग के अंदर थोड़े से पोर्स होते हैं जिसके कारण ये मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है, और मतलब इसमें अगर पानी वानी डालोगे तो इसके अंदर पानी चला जाएगा, तो वाटर रेजिस्टेंस नहीं है। और आपका पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीकार्बोनेट दोनों ही बैग जो होते हैं वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, तो ये बेस्ट चीज़ होती है। और ड्यूरेबिलिटी, जब किसी के अंदर पोर्ट्स हैं तो वो थोड़ा सा जल्दी धागे वागे वाली सारी बातें बता दी, तो ये सारे फैक्टर्स में ना खरा नहीं उतर रहा बैग, थोड़ा सा सस्ता है, बट अगर ग्राउंड रियलिटी में नेट वगैरह पे देखोगे तो सस्ता भी नहीं मिलेगा, हल्का है हल्का भी नहीं मिलेगा, तो सारी बातों से ना लगभग फेल करता है बैग मेरे, जो मतलब जो मैंने इतना बड़ा अपना सर्च किया है उसमें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो इस बैग को जो है बिल्कुल हटा देते हैं। अब वो आपकी ओपिनियन है, आप इस बैग को क्यों पसंद कर रहे हैं, अपनी अपनी ओपिनियन होती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया तो मैंने इसको हटा दिया। अब आ गए पॉलीप्रोपिलीन के ऊपर। अब देखो ये है पॉलीप्रोपिलीन, दबता है, बैंड होता है, पर इतना नहीं होता है, स्टिफ है, स्क्रैच रेजिस्टेंस है, ये पर्टिकुलर मॉडल कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हल्का होता है। अच्छा, पॉलीप्रोपिलीन को कहते हैं ये पॉलिएस्टर, मैंने बताया ना वेट को कंसिडर करना चाहिए जब भी बैग लो, ड्यूरेबिलिटी को कंसिडर करना चाहिए, और ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ तो एक ही बात होगी, और थोड़ा वाटर रेजिस्टेंस वाली चीज़ें भी देख लेनी चाहिए, ठीक है। अब वेट में अगर हम स्टार्ट करें पॉलिएस्टर, पॉलीकार्बोनेट और पॉलीप्रोपिलीन, तो पॉलीप्रोपिलीन जो होता है वो बीच का होता है, और इसलिए इसको लोग ज़्यादातर आजकल लेते हैं क्योंकि इसमें वेट भी कम हो जाता है और ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है, और पॉलीकार्बोनेट को सबसे हाईएस्ट कहते हैं जो हमारे पास है नहीं, और सबसे हाईएस्ट वेट का होता है, उसमें कहते हैं ड्यूरेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली, और उसके रेट भी उस हिसाब से ज़्यादा होते हैं। तो अभी प्रैक्टिकली उनके रेट्स भी देखेंगे फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर, क्या सच में इनके इतने रेट्स हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले तो पॉलीप्रोपिलीन में दोनों चीज़ मिल रही थी, मुझे वेट भी कम मिल रहा था, पैसे भी थोड़े कम थे, और कैमिलियन का मैंने लिया, तो ये कैमिलियन का बैग मुझे जो है 3,200 के आसपास का मिला है, अभी ये 3,900 रुपये का है, अभी आप एक दो दिन बाद सर्च करोगे फिर शायद कम हो जाए, ये कम और बढ़ता रहता है, ठीक है। अच्छा, वेट आप इनको कैसे करोगे, वेट करने के लिए आपके पास एक आप इसको ले सकते हो, नहीं तो कबाड़ी वाले के पास जा सकते हो, नहीं तो ये हॉन्क मैंने ये इसके लिए नहीं ली थी स्पेशली, मेरे पास ये थी, मैं कबाड़ी वाले को कुछ सामान देता हूँ तो इसको तोलते देता हूँ, या कुछ तोलने का काम होता है तो इससे कर लेता हूँ, ये मैंने 235 रुपये की ली थी, आप लेना चाहो तो इसको ले सकते हो, आप इसको सर्च करोगे या मैं इसका
लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप कहोगे तब ठीक है। तो अब भाई एक तो हल्का हो गया, ड्यूरेबल हो गया, तो इसलिए मैंने ये ले लिए, दोनों लार्ज ले लिए, पॉलीकार्बोनेट में वही था। अब पॉलीकार्बोनेट में एक प्रॉब्लम क्या आती है, पॉलीकार्बोनेट थोड़ा ज़्यादा टफ होता है, जब चीज़ें स्टिफ होती हैं बहुत ज़्यादा तो उसका रिव्यू आता है कि वो ज़्यादा ठंड में, अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो तो वो उसमें टूटने का उसका डर होता है, ये भी एक डर था। और मुझे हल्का बैग भी चाहिए था, तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा इतना बड़ा एक्सप्लोरर तो बनना नहीं है, मुझे नॉर्मल हल्का सस्ता और मीडियम क्वालिटी का बैग चाहिए था, तो मैंने ये ले लिया ठीक है। अब ग्राउंड रियलिटीज रेट्स पे आ जाते हैं। पहली चीज़, ये कैमिल्टन का बैग है, इसका स्क्रीनशॉट मैं डालूंगा। वेट इसका 4 kg लिखा है, पर जब मैंने इसको यहाँ पे वेट किया तो 3 kg 200 g इसका वेट है असल में ठीक है। पॉलिएस्टर का बैग सेम लार्ज में आप देखोगे, सफारी का कितने का है, लगभग 4000 का। एरिस्टोक्रैट का भी मैंने स्क्रीनशॉट डाला है, वो भी 4000 का है। दूसरा जो आप देखोगे क्या कहते हैं, पॉलीकार्बोनेट जो अपनी सबसे टफ वाली क्वांटिटी, मतलब टफ वाली कैटेगरी आ जाती है, उसमें आप देखोगे एरिस्टोक्रैट वो देता है क्या कहते हैं पॉलीकार्बोनेट के बैग भी, वो जो है आपका पड़ रहा है यहाँ पे 4000 के लगभग का, नहीं 4000 नहीं, एरिस्टोक्रैट 3500 का है ठीक है। अब देख रहे हो कि आपकी रेट में पॉलीप्रोपिलीन पॉलीकार्बोनेट में ज्यादा फर्क नहीं है आपकी, तो ये सीन है, मतलब इतना फर्क नहीं है। पता नहीं वेबसाइट्स में दे रखा है क्यों इतना कि वो ज्यादा टफ होता है, वो ज्यादा महंगा होता है, बट इतना मुझे फर्क नहीं मिला। मैं अभी बेसिक ब्रांड्स बेसिक चीजों की बात कर रहा हूँ ठीक है। तो आप ये मत कहना कि भाई ये तीन हमें तो बहुत महंगा है, या हम बहुत महंगा, मतलब यहाँ पॉलीकार्बोनेट बहुत महंगा आता है। भाई ये देखो, ये जनरल है, फ्लिपकार्ट पे मैंने ऐसे सर्च किया। अच्छा, और जब सर्च करना हो आपको, देखना हो इन बैगों को, तो आपको क्या करना है, पॉलीप्रोपिलीन ट्रॉली बैग ऐसे करके सर्च करना, पॉलीकार्बोनेट ट्रॉली बैग ऐसे करके सर्च करना ठीक है। अब जैसे कि दो कैबिन, मतलब एक कैबिन बैग अलाउड होता है 7 kg का, तो उसमें मैंने सफारी वाला ले लिया। ये थोड़ा सा यहाँ से बड़ा है, इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, तो ये बड़ा भी मैं कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ, कैबिन बैग की सारी इन डिटेल वीडियो बनाई है, वो देखना चाहो तो वो देख सकते हो। बाकी एक लैपटॉप का बैग है ये, जो मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ले जाना, मतलब आपको नहीं बोलूँगा कि आप इसको ख़रीदो, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मेरे पास था इसलिए मैं इसको ले जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, वारंटी इसमें 3 साल की ग्लोबल वारंटी है। एक चीज़ इसमें कमी है, जो एरिस्टोक्रैट के या जो सफारी के बैग में 5-5 साल की वारंटी है, तो 3 साल की वारंटी थोड़ी कम है, ये एक चीज़ है, बस मर्जी आपकी। जो अच्छा एक और बात रह गई थी कि लेना कहाँ से है, ऑफलाइन ऑनलाइन। देखो ये जो कैमिलियन का बैग है, मैं इसके लिए मैं 2-3 जगह गया था, बिग बाज़ार, लोकल मार्केट, तो लोकल मार्केट में तो मुझे अलाउ कर रहे थे कि आप वैसे ले सकते हो अलग से इसको, मतलब एक लार्ज ट्रॉली ले सकते हो, क्योंकि मैंने 2 लार्ज ट्रॉली ली है। मैंने 2 लार्ज ट्रॉली इसलिए ली, लार्ज ही ताकि चीज़ें अच्छे से एडजस्ट हो जाएँ, सामान भिचपिच ना हो, तरीके से रख जाए ठीक है। दूसरी बात, तो मैं वहाँ पर ले रहा था लोकल मार्केट में, मेरी वाली लोकल मार्केट में मुझे थोड़ा महंगा पड़ रहा था, मैं एग्जैक्टली इतनी अच्छी बैगेजेस की मार्केट में नहीं गया था, शायद वहाँ जाता तो मुझे थोड़ा सस्ता पड़ जाता, बट ये मुझे मतलब ऑनलाइन ज़्यादा सस्ता पड़ रहा था, और बिग बाज़ार में भी मुझे 7,500 रुपये का तीनों सेट मिल रहा था, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। बट बिग बाज़ार वालों ने मुझे मना कर दिया कि हम आपको एक बैग नहीं देंगे लार्ज निकाल के, आपको पूरा सेट लेना पड़ेगा ट्रॉली का, तभी आप ले सकते हो। तो मैंने उससे मना कर दिया कि मुझे ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, मतलब फिर मैंने ऑनलाइन मंगा लिया। अच्छा, और एक और डिफरेंस, अमेज़ॉन पे थोड़ा महंगा है, फ्लिपकार्ट पे थोड़ा सस्ता है, ये भी थोड़ा देख लेना। मतलब मैंने 2-3 बार देखा तो अमेज़ॉन पे हमेशा 3500 रुपये का रहा, और फ्लिपकार्ट पे 3000 के आसपास रहा कैंडिडेट वाला। अच्छा, अगर मैं इसके TSA वाली लॉक की बात करूं, तो इसमें कोई ऐसे TSA वाली लॉक वाली चीज़ नहीं है। TSA लॉक क्या होता है, होमलैंड सिक्योरिटी की एक सिक्योरिटी की होती है, मोस्टली सारे एयरपोर्ट्स पे होती है, अगर कोई चीज़ सस्पिशियस लगती है आपको बैग को, तो वो ये लॉक नहीं तोड़ते हैं, वो अपने आप की निकाल के वो चेक करके बंद कर देते हैं। तो ये एक चीज़ है जो पर मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं लगी, तो मैंने नहीं लिया। अच्छा, अब ये जो बैग है इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो ये बैग जो है इसमें जो इसकी ये है ट्रॉली जो है, बेसिकली ये जो खींचने वाला हैंडल होता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना बढ़िया नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। और ये जो मेरा पॉलिएस्टर का सफारी वाला बैग है, जो कि है किसी का, तो इसमें ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एक सफारी की ब्रांडिंग भी कर रखी है, लिटरली ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसमें ये जो है ना हैंडल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो ये रेट का मैं तो थोड़ा तो फ़र्क होगा ही ना ठीक, बट ठीक है, काम चला हुआ है, चल जाए, मैं काम चला हूँ ठीक है, सही है, चल जाएगी उम्मीद है, मतलब एटलीस्ट। अगर कंपार्टमेंट्स में बताऊँ, काफ़ी ये है अपना, ये वाला सेट है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो है आपका, ये अपना एक पर्सनलाइज, वैसे डालना कुछ सामान तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हो। तो यही है मेरी पूरी बैगेज की वीडियो,
बाकी कैबिन बैग मैंने अच्छे से दिखाया उसमें, क्या कहते हैं दूसरी वाली वीडियो में, वो आप वहां से देख सकते हो। नहीं टूटेगा, ऐसे नहीं टूटेगा। मैं जब बिग बाजार गया था तो वो बंदा इस पे, इस बैग पे बैठ गया था, बैग के घूम रहा था इस पे, तो मेरे को तब विश्वास हो गया कि बहुत मजबूत है, ठीक है। और इसमें जो वो व्हील भी है वो भी चार है, तो बढ़िया है, 360 डिग्री है। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं कि आपको कौन सा बैग लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। अब इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं, बट मैंने बेसिक चीजों के ऊपर बात करी है, वाटर रेजिस्टेंस जो ये दोनों बैग है, रेट जो इसके लगभग कम है, और मीडियम क्वालिटी जो ये है, पॉलीकार्बोनेट बहुत ज्यादा चीज है, वो भी ले सकते हो। मैं कोई नो ऑफेंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आपका मन करे वो आप लो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।